खत्म हो गया है तो मुझे लगा। नहीं नहीं हम लोगों ने एक्चुअली क्या था ना कि मैंने ये कहा था कि हम लोग फ्राइडे को करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे है ना, और तब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग रिवीजन का प्लान करेंगे कैसे करना है, ठीक है। और एक्चुअली क्या हुआ कि फ्राइडे को पड़ गया शायद दशहरा था, है ना, तो फ्राइडे को ऑफ था, ऐसे था ना। हाँ हाँ सर यही हो गया था। हाँ हाँ फ्राइडे जी, मुझे को, मुझे मालूम था कि छुट्टियों के बाद राइट जब राइट आप 2 दिन की छुट्टी ले लेंगे उसके बाद क्लास नहीं राइट होगी। राइट हाँ मैंने यही कहा था कि जब मैं छुट्टी ले लूंगा तो जो उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, आप ये मत समझना कि मैं चला गया, है ना। लेकिन हाँ क्या सर हुआ कि मुझे भी नहीं पता था कि उस दिन फ्राइडे को दशहरा है, जब मैंने आपसे बोला तो फ्राइडे को दशहरा था, इसलिए ये पार्ट रह गया था। मैंने आपको पढ़ाया था, मैं बताता हूँ क्या पढ़ाया होगा मैंने आपको, मुझे जहां तक लग रहा है कि मैंने आपको बायो ये बता, ये यूट्रोफिकेशन बता दिया था, बायो मैग्निफिकेशन बता दिया था, ये सर, सब लास्ट चीजें आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाया था। राइट बताऊँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया, ठीक है ठीक है। हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था, ओजोन डेप्लीशन बता दिया था क्या, ओजोन डेप्लीशन, ओजोन डेप्लीशन सर शायद आपने नहीं कहा बता था, रहे, आप पढ़ाओगे करके। हाँ अच्छा ठीक है मैंने कहा था, मैं ठीक है राइट। मैं तो पहले मैं बता देता हूँ ओजोन डेप्लीशन, ठीक है, कैसे ओजोन डेप्लीशन होता है ये तो शायद बता दिया था मैंने, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना। एक्सक्यूज मी सर, जी बता बताओ। सर मैं काफी दिनों से एब्सेंट था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। सर एक ओके बार okay. बता देंगे कितना छूट है? मैंने जो लास्ट टॉपिक किया था वो फोटो पीरियड किया, लास्ट टॉपिक क्या था, क्या फोटो, फोटो पीरियड इन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर क्या था, आमना बताओ भाई कितना रह गया इसका। सर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो पहला ही चैप्टर है ना इकोलॉजी का, आमना कितना रह रहा है, सर तीन उसके चैप्टर। बीच में 2 चैप्टर्स हो गए हैं, एक बायोडायवर्सिटी और एक इकोसिस्टम। बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम, देव हम हाँ दो मेरी दूसरी कॉपी में इतना ज्यादा छूट गया बहुत ज्यादा छूट गया देवियन हमारा, चलो सर, मैं फिर उसके वीडियो पूरे दो सीट को चैप्टर्स पूरे छूटे पढ़ हैं। लूंगा। कोई बात नहीं, जब रिवीजन करेंगे ना है ना तब मत मिस करना, ठीक है देवियन। यस सर, यस सर, मेरे एग्जाम रिवी चल रहे थे हाँ सर। तब तक ऐसे करना कि नोट्स वगैरह ले लेना किसी से, है ना, या वीडियो का बैकअप तो होगा ही होगा निष्कर्षी के हाँ बाद में, सर, है यस सर, यस ना, सर, वीडियो देख लेना, ठीक है। रिवीजन तो अपन करेंगे करेंगे, साथ में रिवीजन के ड्यूरेशन में ये मतलब उसका वेट नहीं करना कि इकोलॉजी वाला जब रिवीजन आए, इसी ड्यूरेशन में अगर तुम्हें कुछ लगे कि कुछ नहीं समझ में आया कोई पॉइंट उसको नोट डाउन कर लेना, राइट। सो जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके सर, ओके अब पहले आप लोग हेडिंग डालिए ओजोन डेप्लीशन, तो मैं आपको बता दूं कि ओजोन डेप्लीशन क्या होता है, हम लोग ये पहले पोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग का रिवीजन वाला मोड शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो वीक में एक एक क्लास होगी मोस्ट प्रॉब्ली शायद, हाँ एक ही क्लास होगी वीक में, तो अब वो जिस दिन भी हो मंडे या फ्राइडे जिस दिन हो आप सर निष्कर्ष हम बता 2 दिन देना, नहीं होंगे। मंडे फ्राइडे एक एक बार निष्कर्ष जिस जरा पूछा बताएंगे, है ना, शायद रिवीजन में वीक में एक दिन क्लास, बहुत रिवीजन हो जाएगा एक क्लास में, मतलब अगर वीक में 2 दिन क्लास होगी तो रिवीजन ही महीने भर में हो जाएगा एक यस क्लास सर, मेरे हिसाब से हम लोग, हाँ एक क्लास में हम लोग मतलब एक चैप्टर से ज्यादा रिवाइज कर लेंगे, 2 चैप्टर कर लेंगे मतलब, मुझे ज्यादा इंट्यूशन आती है, ठीक है लेट्स तो सी। ऐसा कैसे हाँ सर, बताओ, मतलब मैं कह रही थी कि आप बता दीजिएगा कि आप कौन से चैप्टर का वही रिवीजन वही करना वही मैं है यही तो हम करूंगा, कर हाँ देंगे। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, रुको इसको कंप्लीट करने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर का रिवीजन करूँगा भाई, सब लोग बता देना जो नहीं है, जैसे वो गायब है क्या नाम है, मैत्री, मैत्री नहीं है, और वो भी तो नहीं है क्या नाम उसका अपना बालक साथ सर साध, हाँ राइट साध भी नहीं है, मैत्री और साध दोनों गए। देखो नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा इसका रिवीजन करेंगे, आप पढ़ के आओगे दोनों चैप्टर, मतलब पहला वाला चैप्टर तो इंट्रोडक्टरी है, दूसरा वाला बड़ा है इसलिए एक छोटा एक बड़ा चैप्टर लिया है ना, तो आप प्रॉपर पढ़ के आओगे, हम लोग पूरा इसका रिवीजन करेंगे, और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 2 चैप्टर, ठीक है डन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। अब स्टार्ट करते हैं ओजोन डेप्लीशन। अब देखो ओजोन डेप्लीशन होता क्या है और ओजोन में होल हो जाना क्या चीज है, देखो ओजोन डेप्लीशन क्या है कि सर हाँ बोलो आप नीट रिवाइज कराओगे एक बार? क्या क्या, नीट के लिए अगर आप रिवीजन कराओगे तो आप उसमें 11th भी पढ़ा दोगे?
अच्छा नीट के लिए, ठीक है ठीक है। हाँ मतलब हम लोग कुछ क्रैश कोर्स टाइप का तो करेंगे ही करेंगे आगे कहीं सर, तो मैं 11th भी पढ़ा दूंगा है ना, या फिर ऐसा है कि 11th का जैसे बैच हो जाएगा है ना, तो एक बार निकल जिससे डिस्कशन कर लेना ठीक है, तो 11th वालों को अगर रिवाइज कराऊंगा तो आ जाना, 11th का रिविजन करा उसमें भी कर सकते हैं है ना, कर ओके सर, देंगे करा देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ओजोन डेप्लीशन पे आ जाए, अब ओजोन डेप्लीशन में क्या ओजोन का डेप्लीशन है क्या चीज, लुक तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ये तो हमारी हो गई अर्थ, ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ अर्थ की इक्वेटर, और अर्थ के चारों तरफ मैंने ये बताया था कि एक पहले बात तो सबसे पहले एक हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की रिंग है ना, एक मोटा सा एटमॉस्फेयर है, और इनफैक्ट एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे होने के पीछे रीजन क्यों है, ऐसे होने के पीछे देखो रीजन क्या है, ऐसे होने के पीछे एक ही रीजन कि यहां से यहां तक और यहां पर, ये है इक्वेटर वाला पार्ट। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना कि इक्वेटर के आसपास तो ज्योग्राफी ये कहती है और साइंस भी ये कहती है कि साइंस का मानना है कि यहां से 18 से 14 किलोमीटर एटमॉस्फेयर मोटा है, यहां पर 18 to 14 किलोमीटर है, 18 to 14, कोई बता सकता है क्या ऐसा क्यों है, अगर किसी के पास आइडिया हो तो बताइए। और ये जो पोल्स वाला पार्ट है ना, यहां पर एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम, तो यहां पर एटमॉस्फेयर की थिकनेस 7 से 8 ही किलोमीटर, 7 to 8। मैं पूरे एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, ट्रोपोस्फियर। तो ये वाला पार्ट तो हो गया ट्रोपोस्फियर है ना, ट्रोपोस्फियर मैं लिख देता हूं, इनफैक्ट आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें हम लोग रहते हैं ट्रोपो ठीक है, तो ये 14 से 18 किलोमीटर। अब इसके ऊपर एक और जोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक और जोन है जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या है स्ट्रेटोस्फीयर, अब इसके ऊपर ये जो एडिशनल पार्ट है इसको आप स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर की लंबाई कितनी है मैं बता, स्ट्रेटोस्फीयर को अगर हम यहां से काउंट करें, कहां से, यहां से, अगर हम लोग इस वाले पार्ट को काउंट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसके ये हमारा हो गया, ये हो गया ट्रोपोस्फीयर और ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। अब क्या होता है ये स्ट्रेटो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में है ना, तो हम आप जहां पे रेस्पिरेशन करते हैं रहते हैं वो सब ट्रोपोस्फीयर वाला पार्ट ठीक है। एक्चुअल में क्या है देखो सिंपल सी बात है, सन की लाइट डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर, तो टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर, और जब टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा तो गैस एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी बताओ, लॉजिकल सी बात है, सर एक्सपैंड होगी, एक्सपेंड होगी, तो जब गैस का एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो एटमोसफेयर की डेंसिटी कम होगी लेकिन एटमोसफेयर मोटा हो जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस 14 to 18 किलोमीटर है, और सिंपल सी बात है ऊपर की तरफ क्या है यहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने के पीछे ये पूरा आइस कैप यहाँ पे जमा होती है, टेम्परेचर कम होने के पीछे रीजन क्या है, टेम्परेचर कम होने के पीछे सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर जो रेस पड़ती है वो स्लांट पड़ती है, जो स्लांट रेस पड़ने की वजह से है ना टिल्टेड लाइट पड़ती है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पे इंसुलेशन कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस कॉम्प्रेस या कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एटमोसफेयर यहाँ पे थिन राइट। अब देखो ये ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर ये दो लेयर हैं, ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर ये इमेजिनरी लेयर है, ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच है ना यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 23 से 25 किलोमीटर की रेंज, 23 to 25 किलोमीटर की रेंज, अब इस रेंज में यहां पर एक मोटी सी लेयर है जिसको आप ओजोन लेयर कहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ओजोन को मेजर करने की, ओजोन की थिकनेस जो मेजर की जाती है उसको मेजर करने की यूनिट क्या है, जल्दी बताओ बिना देखे, बड़ा बेसिक क्वेश्चन लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई,
इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन की लेयर है इसको हम लोग डॉप्शन में नापते हैं, नापते हैं डॉप्शन, डॉप्शन। और डॉप्शन क्या होता है, स्मॉल डी कैपिटल बी, ये इसकी यूनिट होती है, डीबी है ना। तो डीबी डॉप्शन में हम लोग मेजर करते हैं। ओजोन की जो लेयर है ये 2-3 किलोमीटर थिक है सिर्फ, और ये बनती कैसे है, O3 का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्चुअली O2 और प्लस O, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे यूवी रेस की प्रेजेंस में O3 में फॉर्म हो जाती है। अब ये करता क्या है, ये अर्थ में आने वाले अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेस, हालांकि ये पूरे के पूरे अमाउंट में अल्ट्रावायलेट ए रेस और काफी कुछ अमाउंट में अल्ट्रावायलेट बी रेस को एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से ये हार्मफुल रेडिएशन अंदर एंटर नहीं कर पाता है, यूवी रेस हमारे अर्थ के अंदर एंटर नहीं कर पाती स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। और इन्हीं यूवी रेस का ये यूज करके क्या करते हैं, O3 का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो चीजें हैं जो इसको इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पर मेनली हमारे रेफ्रिजरेटर से निकली हुई या एरोसोल से निकले हुआ जो पार्ट है जिसको कि अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, तो यहाँ पर जो मेनली इसको इम्पैक्ट हार्म कर रही है दैट इज CFC, है ना, जो कि हमने पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एरोसोल, ठीक है, एरोसोल। साथ में एक और चीज है, अब जो फाइटर प्लेन होते हैं वो फाइटर प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होते हैं, इसीलिए जनरली हमको आपको दिखाई भी नहीं देते, ये स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो जेट प्लेन होते हैं, इन जेट प्लेन के एग्जॉस्ट से निकला हुआ है ना नाइट्रोजनस, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, NOx लिख देते हैं, ठीक है, जितने नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं ये भी इसको हार्म पहुंचाते हैं। मेजर इसको हार्म पहुंचाने वाला एरोसोल, अब एरोसोल कैसे हार्म पहुंचाता है ये बात मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। हम एरोसोल कहाँ पे यूज करते हैं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर जो होते हैं या इवन घरों पे जो डोमेस्टिक एसी होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो कूलिंग प्लांट होते हैं, उनसे निकलने वाला जो ये होता है CFC होता है। तो CFC कॉम्बिनेशन किस चीज का है, CFC को एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, क्लोरो क्लोरोकार्बन, CFC है हमारा क्लोरो क्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरो क्लोरोकार्बन। अब CFC में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन क्लोराइड फ्लोराइड और कार्बन के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। इसमें जो क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसके ऊपर हमने स्टार बना दिया, ऐसे स्टार बना के लिखते हैं। तो CFC क्लोराइड फ्लोराइड और कार्बन के। अब होता क्या है, जब CFC हमारे इस ओजोन लेयर पे पहुंचती है, तो ओजोन लेयर में पहुंचने के बाद समझिए, तो ये क्लोरो क्लोरो और कार्बन ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अब क्या होता है, इससे क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो होता है ये अलग हो जाता है, ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है इसलिए इसके ऊपर स्टार बना देते हैं। ये ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके CLO और O2 का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये जो CLO है ना CLO, ये टेम्परेरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब क्या करता है, ये क्लोराइड का मॉलिक्यूल एनर्जेटिक मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है और O को भी रिलीज कर देता है, इसे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन, तो वही मैंने आपको बताया कि CFC क्या करता है, O3 से रिएक्ट करता है और यहाँ पर O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से एक CFC का मॉलिक्यूल 10,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये क्या करता है, इसके साथ चैन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। चैन रिएक्शन स्टार्ट करने की वजह से ओजोन का जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होने लगते हैं, जिससे ओजोन की लेयर थिक होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम लोग ओजोन डेप्लीशन कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? Yes, sir. सब कुछ समझ में आ गया ना? नोट कर लो। अच्छा पीछे वाला भी। एक चीज और बताओ, व्हाट इज बैड ओजोन व्हाट इज गुड ओजोन, कौन बताएगा ये भी बताओ। पता है भाई, ओजोन कैसी गैस है, ज़ुआरी किस टाइप की गैस है, इज इट यूजफुल, इट इज बेनिफिशियल और इट्स हार्मफुल टू, हार्मफुल
कौन आंसर करने वाला है आज? कौन आंसर करेगा भाई? अरे बताओ भाई, आज देवयांशी बताएगी, लास्ट क्लास है, बताओ देवयांशी, पूरा सिलेबस पूरा हो गया, पूरे सिलेबस में देवयांशी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बताओ देवयांशी, बोलो भाई, तुमने नहीं पूछा मुझे, मतलब मुझको कुछ बता ही दो, बताओगे? बोलो भाई देवांशी, मतलब यह सोच ही रखा है ना सर, हम कुछ बताएंगे ना आपसे, हम पूछेंगे कुछ, ऐसा क्या? देव्यम बोलो, बालक, यस सर, गुड ओजोन बैड ओजोन? सर बैड ओजोन में तो जब आई थिंक ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के साथ जब ओजोन का रिएक्शन होने लगता है, आई थिंक, मेरे को आइडिया नहीं, मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है। आमना बताएगी फिर, आमना सुना है कभी गुड ओजोन बैड ओजोन, या ओजोन गुड ही होती बैड होती नहीं? सर मेरे ख्याल से ये गुड भी होती होगी बैड भी होती होगी, लेकिन मैंने सुना है नहीं। अब एक बात और समझो, है ना, देखो पोल्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, नीट का पेपर देखना, ठीक है, आप हल्के मत लीजिए, ये चैप्टर छोटा है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, समझे ना, ये चैप्टर छोटा है, जनरली क्या होता है, सब स्टूडेंट ये समझते हैं कि चैप्टर छोटा है, इससे कुछ नहीं आने वाला ज्यादा, ठीक है, और आप क्वेश्चन देखना, आप देखोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, बहुत क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन, और फ्रिक्वेंटली आता है पोल्यूशन से, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पोल्यूशन पे कोई भी एक्ट आए, कोई भी डे सेलिब्रेशन हो, या कोई भी इंसिडेंस हो, ठीक है ना, ये जितने अर्थ डे, वाटर डे, फला डे, डिका डे, जो भी है नोट करते आना, ठीक है, जो भी न्यूज में आप देख लेना, ठीक है, इससे करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आउट ऑफ द योर एनसीईआरटी, आउट ऑफ द योर इनफैक्ट बुक, पोल्यूशन से कोई एक्ट वैक्ट आएगा वो भी आप देख लेना। तो आप देखो क्या है कि ओजोन जो होती है ये येल्लो कलर की गैस होती है और रॉटन फिश की तरह इससे स्मेल आती है ना, इस तरह से इससे स्मेल आती है, राइट, तो रॉटन फिश वाली स्मेल आती है इससे ओजोन से। अब होता क्या है, जब ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में बनती है, अब लोअर एटमॉस्फेयर में यूज कहाँ होती है, आप लोग बिस्लरी का पानी पीते हो, ये किनले का वाटर पीते हो, ये जितने सारे वाटर के प्लांट है, आप देखो उसमें लिखा रहता है ओजोनाइज्ड वाटर, लिखा होता है कि नहीं होता होता? Yes, ये क्या करते हैं, पहले वाटर को फिल्टर करते हैं, मिनरल्स में ऐड कर लेते हैं, इसलिए उसको मिनरल वाटर भी बोला जाता है, ओजोनाइज्ड मिनरल वाटर, एक चैम्बर होता है, पहले वाटर को फिल्टर किया, फिल्टर करके मिनरल में डाल दिया, फिर अल्ट्रावायलेट रेज डाल दी, बैक्टीरिया मर जाए, ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक में ओजोन पास कर देते हैं, ओजोन क्या करती है, वायरस और बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, उसके बाद अब ऑब्वियसली वहां से ओजोन लीक आउट होती है, ये जितनी भी अलग अलग तरह से ओजोन लीक आउट होती है, अलग अलग प्लांट से ओजोन लीक आउट होती है, ये ओजोन फिश की, रॉटन फिश की तरह स्मेल से ओजोन से आती है, येलो कलर की गैस होती है, लोअर एटमॉस्फेयर में गैस एनिमल और प्लांट्स को हार्म करती है, प्लांट के जो मार्जिन होते हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट कई बार फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा ये एनिमल्स को हार्म करती है, इसको हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं, तो जब तक ओजोन ट्रोपोस्फीयर में है तब तक इसको हम बैड ओजोन बोलेंगे, यही ओजोन जब स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है ना, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब ओजोन स्फीयर में, तब ये क्या करती है, यूवी को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है, तो हमारे लिए गुड ओजोन हो जाती है, तो ओजोन जब तक ट्रोपोस्फीयर में तब तक वही ओजोन बैड ओजोन है, जब से जब वो ओजोन स्फीयर में चली जाती है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में, तो उसको हम गुड ओजोन कहते हैं, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब नोट कर लो, चलो सर, वो आगे वाली स्लाइड पे दिखा दीजिए जिसमें रिएक्शंस दिख रहे हैं, बैड ओजोन, नोट कर लिया स्लाइड, एक सेकंड सर, ठीक है, यस सर, बैड ओजोन इज फॉर्म्ड एट लोअर एटमॉस्फेयर, that is troposphere, bad ozone is formed
एट लोअर एटमोस्फियर दैट इज ट्रोपोस्फियर. इट हार्म प्लांट एंड एनिमल. फुल स्टॉप. गुड ओजोन इज फाउंड एट इट हार्म प्लांट एंड एनिमल. फुल स्टॉप. गुड ओजोन इज फाउंड. गुड ओजोन is found at stratosphere. Good ozone is found at stratosphere, which absorb UV radiation. अगला जो मैं point बताने वाला हूँ, it's very very important. Star बना के लिखना. Next point. DNA and protein of living organism. DNA and protein of living organism preferentially absorb UV radiation. UV radiation and preferentially absorb UV radiation and high energy breaks the bond of and high energy breaks the bond of these molecules. High energy breaks the bond of this molecule. Full stop. Next one. Thickness of ozone is measured. Thickness of ozone is measured in Dobson unit dB. Dobson unit dB. Full stop. UV radiation is completely UV radiation is completely absorbed by ozone layer. Full stop. It may damage and may cause mutation. अगला पॉइंट स्टार बना के आप लिखेंगे. सर कॉज. कॉज एंड इट मे कॉज म्यूटेशन. पढ़ा था ना हमने म्यूटेशन कॉज करता है यूवी रेडिएशन. यस सर. और मेनली स्किन कैंसर इसी की वजह से होता है. ह्यूमन कॉर्निया अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट बी रेज and causes inflammation of cornea and it is known as snow blindness and it is known as snow blindness. Right? And it is known as snow blindness.
इसी को हम लोग स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्लियर। ओके, अब तो ये होगा हमारा यूवी रेडिएशन। अब देखो मतलब ओजोन डेप्लीशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉइज पोल्यूशन को समझ लेते हैं, है ना। एक मिनट रुको, गिव मी वन सेकंड, जस्ट जस्ट सेकंड। अब आते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? तो पहले तो आप मुझे यही बता दो, व्हाट इज नॉइज? सर शोर। वो तो इसकी हिंदी हो गई। नॉइज होता क्या है, किसको नॉइज कहते हो? सर एक ऐसा अनप्लेजेंट साउंड जिससे डिस्टरबेंस हो। अच्छा एक बात बताओ, अनइजी फील हो। आप म्यूजिक सिस्टम बजाते हो, आपको मजा आता है और आपकी दादी कहती है कि तुम शोर मचा रही हो। यस सर। देन सो आप बताओ, तो उनके लिए नॉइज है, मेरे लिए नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट राइट। तो नॉइज की डेफिनेशन साइंस के पास नहीं, ये एक परसेप्शन है। द थिंग विच इज म्यूजिक फॉर समवन, इट इज लाइक नॉइज फॉर समवन एल्स। ठीक है ना, ये एक परसेप्शन वाली। तो नॉइज जो होती है वो परसेप्शन के लिए, लेकिन अगर साउंड का लेवल, अब साइंस कैसे डिफाइन करती है, तो आप देखो ओपेरा किसी के लिए म्यूजिक है और भाई उसे शीशे भी टूट जाते हैं, है ना। मैंने सुना है ऐसा, देखा नहीं। तो अब वो किसी के लिए तो नॉइज है ना। तो अब साइंस कहती है कि देखो भाई, आप चाहे गाना गाओ चाहे चिल्लाओ, ये आपका अपना पर्सनल इश्यू है, ठीक है, ये परसेप्शन वाली बात है। लेकिन वो ये कहती है साइंस कि ऐसा साउंड का लेवल, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, साउंड की लाउडनेस को फ्रीक्वेंसी, डेसिबल, सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ना, सर लोग आपको पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में, तो आप बेटर समझते हो। तो ऐसा साउंड का लेवल या ऐसी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने डेसिबल का साउंड या इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड, अगर वो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है तो वो नॉइज। ठीक है, साइंस ये कहती है। तो साइंस उसको इस पैरामीटर में नापती है। अब चाहे आप डीजे बजा करके किसी को डिस्टर्ब कर किसी को हार्म करें, या फिर आप ओपेरा की तरह मतलब चिल्ला करके गा करके किसी को डिस्टर्ब करें, आप कैसे भी किसी को डिस्टर्ब करें, दैट इज नॉइज, राइट। तो नाउजिया जो वर्ड है ना, नाउजिया, ये नॉइज वर्ड का लैटिन वर्ड से जो ओरिजिनेशन हुआ, नाउजिया जो टर्म है उससे ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है, तो नोट कर लो, नॉइज है क्या चीज? रॉन्ग साउंड, क्रिस्प डेफिनेशन, रॉन्ग साउंड इन रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम। Wrong sound in wrong place at wrong time. रात को कोई सो रहा है और आप गाने धीरे से भी बजा रहे हो तो नॉइस ही है, ठीक है, because it is at wrong place. Sleeping room कोई गाने बजाने के लिए नहीं होता है, और wrong time रात में कोई गाना नहीं बजाता है, ठीक है ना। तो और एक और definition, unwanted sound. Unwanted sound dumped into atmosphere leading to health hazard. Unwanted sound dumped into atmosphere leading to health hazard. ठीक है, इसको हम noise कहते हैं। आप कुछ पॉइंट्स लिख लो, ये तो आपको सबको पता है, आप स्मार्ट लोगो डेसिबल पे साउंड को नापते हैं, बताए ना, है ना। तो yes, अब हम कितने डेसिबल से ज्यादा साउंड को हम लोग नॉइस पोल्यूशन में काउंट करते हैं?
प्रेशर हॉर्न पहले आते थे, अब आप लगाओ तुरंत चालान है ट्रैफिक में, ठीक है। वो आपने देखा होगा जो लोग, वो लड़के वो बुलेट पे वो वाला लगा लेते हैं, वो साइलेंसर लगा लेते हैं, चालान है उसको, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मेजर है, आप उस मेजर से ऊपर हॉर्न नहीं खुली फुटेज कर सकते। तो साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड है ना, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। नोट कर लो, साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल। अब इसको बुलेट के फॉर्म में लिखना, आपको कोई कहानी लिखनी, मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन है। साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल इज रिगार्डेड एज पोल्यूशन बिकॉज इट हार्म, बिकॉज साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल, साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल रिगार्डेड एज पोल्यूशन बिकॉज इट हार्म हियरिंग सिस्टम। बिकॉज इट हार्म हियरिंग सिस्टम। एक और पॉइंट, ये तो साइंस का मानना है, WHO की अपनी कहानी कुछ और है ना। अब WHO की कहानी आप तब समझ सकते हो अगर आपने, आप में से किसी ने WHO का हेडक्वार्टर देखा है क्या, दिल्ली में जो बना है, देखा है नहीं देखा? No, कभी भी अगर ये मतलब कोई सी भी मेट्रो का, चाहे नोएडा वाली चाहे वैशाली वाली जो CP की तरफ जाती है ना, ऐसे बाहर से देखा है वैसे बस। हाँ देखा है बाहर से, ऊपर से देखा ना, इंद्रप्रस्थ वाले मेट्रो स्टेशन से देखा है, वो इतनी गंदी जगह बना हुआ है, मतलब बगल से नाला बह रहा है, उसके पीछे जस्ट स्लम है, चारों तरफ स्लम ही है, वो खुद में इतनी गंदी जगह बना हुआ है WHO का। तो दैट इज द लाइक ब्यूटी ऑफ WHO, वो जहाँ पे हेड ऑफिस बना है वहीं पे सफाई नहीं है। तो WHO का कहना है दिस इज इन प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट आप लिख लो, आपको मेडिकल के लिए एक क्वेश्चन आपको लिखना है। द WHO हैज फिक्स्ड 45 डेसिबल, WHO हैव फिक्स्ड 45 डेसिबल एज द सेफ नॉइज लेवल, WHO हैज फिक्स्ड 45 डेसिबल एज द सेफ नॉइज लेवल फॉर सिटी। 45 डेसिबल जानते हो क्या होता है, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो 35 से ऊपर का, तो अभी बोल रहा हूँ 35 से 40 के आसपास का मैं बोल रहा हूँ, और अगर हम सब लोग एक साथ, आप में सब लोग मेरे से क्वेश्चन एक साथ पूछने लगो, आप जितने लोग हो, तो ये 45 डेसिबल क्रॉस करके 60 के आसपास पहुंच जाएगा। हम क्लासरूम में जब डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर आपस में डिस्कशन करते हैं, वो ही 45 क्या 50 60 के आसपास का होता है, ठीक है। तो चार लोग अगर बात करने लगे तो 60 डेसिबल होता है, 45 टू 60, ठीक है। आप उसको नॉइस पे काउंट करोगे अगर हम WHO को डेफिनेशन मानेंगे, तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अ नॉइज लेवल अप टू, नॉइज लेवल अप टू 65 डेसिबल, नॉइज लेवल अप टू 65 डेसिबल इज कंसीडर्ड टॉलरेबल। अब कुछ मैं बता देता हूं, नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे हम आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपस में हम आप बात कर रहे हैं, तो ये होता है 35 से 60 डेसिबल के बीच का होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो अगर पूछा जाए कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है, 35 से 60 डेसिबल। हैवी ट्रैफिक में दिल्ली मुंबई का, कोलकाता का जैसे ट्रैफिक होता है, 60 to 80 डेसिबल। जेट प्लेन को कोई रोक ही नहीं सकता नॉइस पोल्यूशन करने से, जेट प्लेन का होता है 150 डेसिबल। रॉकेट और मिसाइल जब फायर होती है, ये होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, 180 डेसिबल को।
और जो लाउडनेस होती है साउंड की, आपने पढ़ा होगा, लाउडनेस को हम लोग सोन में भी कंसीडर करते हैं, सोन में भी नापते हैं। और वन सोन जो होता है, वन सोन इज इक्वल टू 40 डेसिबल के आसपास होता है। ठीक, नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या होता है नोट करो, नोट कर लिए सर? तो कोई बंदा, कोई बंदा बहरा कब हो सकता है? आपने देखा होगा ना, टेम्परेरी डीफनेस कई बार हो जाती है। अगर आपके कान के पास बम छूट जाए तो आपको बहुत देर तक तो सुनाई नहीं देगा, है ना? तो या फिर आप देखते होंगे, जैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने लाइव कॉन्सर्ट ज्वाइन किया होगा, तो लाइव कॉन्सर्ट जो होता है ना, ज्वाइन किया किसने लाइव कॉन्सर्ट? अरे जितने सारे लोगों का ये सिंगर फिंगर आते हैं ना, है ना? तो जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा, या फिर आपके स्कूल में कॉलेज में कई बार क्या होता है ना, बाहर के बैंड्स वगैरह आते हैं ना? तो जब बैंड्स वगैरह आते हैं लाइव कॉन्सर्ट में, किसी को भी, मतलब वो गजल वजल छोड़ दो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, रॉक म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, पॉप की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, जो वेस्टर्न म्यूजिक हम आप सुनते हैं, या फिर इवन हिंदी म्यूजिक हम लोग सुनते हैं, तो जब भी कोई बैंड वैंड का म्यूजिक सुनते हैं, बिलीव ऑन मी, सिंगर जब भी गाता है आप उसके माइक से निकलने वाले वर्ड्स को नहीं समझ सकते, कोई भी बंदा लिरिक नहीं समझ सकता। रीजन बिहाइंड इट कि जब भी वो लाइव कॉन्सर्ट होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 95 डेसिबल के आसपास होती है, और 90 डेसिबल से ऊपर होने वाले साउंड में जो वर्ड्स होते हैं, हम आप बात कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी हमारे ये ईयर में या फिर हमारे ब्रेन के पास नहीं होती, ठीक है? वहां पर एक्चुअली वो गाने आपने पहले से सुन रखे होते हैं, इसलिए आपको समझ में आता रहता है कि वो क्या चीज गा रही है। अगर वो कोई भी सॉन्ग आपने पहले से ना सुना हो तो लाइव कॉन्सर्ट में आप बिल्कुल इस सॉन्ग को सुन नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक का जो शोर होता है वो 95 डेसिबल क्रॉस कर चुका है, राइट? तो आप याद रखिएगा कि 95 डेसिबल से ऊपर का कोई भी किसी भी साउंड में हम वर्ड्स को या कम्युनिकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, नोट करिए। सर ये लाउडनेस का 4 है, लाउडनेस का सोन, हाँ लाउडनेस का सोन में भी आते हैं, डेसिबल सोन में, दोनों डेसिबल और सोन दोनों यूनिट है, ठीक है? तो 1 सोन इज इक्वल टू 40 डेसिबल, 4 या 40? 40 40 40 डेसिबल, ओके सर, ठीक है, नोट करिए। टेंपरेरी डीफनेस, टेंपरेरी डीफनेस अकर्स at 4000 to 6000 hertz, temporary deafness occur at 4000 to 6000 hertz, permanent loss of hearing, मतलब आदमी बिल्कुल से बहरा ही हो जाएगा, permanent loss of hearing that occurs 100 decibel. Believe on me, jet plane जब start होता है, अगर उसके आसपास कोई खड़ा हो तो दोबारा फिर कभी नहीं सुन पाएगा, मतलब इस झटके से इतनी 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 loudness से उसमें sound release होती है कि दोबारा audible नहीं हो सकता, क्योंकि 140 decibel से वो start होता है। और so permanent loss of hearing, permanent loss of hearing occurs at 100 decibel. अच्छा, लॉस ऑफ हियरिंग के अलावा और भी कुछ साउंड का इंपैक्ट होता है क्या हमारे ह्यूमन बॉडी में? साउंड के नोट करो, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ साउंड, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ साउंड, मतलब हियरिंग लॉस को अगर आप छोड़ दो या फिर हम हियरिंग सिस्टम की बात ही ना करें, इसके अलावा और भी साउंड से कोई लॉस होता है क्या, कोई हार्म होता है हमारी बॉडी? सर, सर में दर्द होने लगता है। हाँ बिल्कुल, सर में दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा साउंड होगा, आपकी स्किन बेचैनी भी हो जाती है कुछ लोगों को। हाँ बिल्कुल,
नोट करो। ज्यादा देखो क्या होता है कि गर्मियों में आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, सर्दियों में आप देर में इरिटेट होते हो। रीजन क्या होता है कि जब आप हैवी ट्रैफिक में या फिर ज्यादा क्राउडी जगह पे होते हो तो गर्मियों में क्या होता है कि साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि ज्यादा दूर से ज्यादा साउंड सोर्सेज आपके कान तक पहुंच पाते हैं, जिससे आपको मतलब इरिटेशन और अनोयंस होता है। और सर्दियों में साउंड की वेलोसिटी घट जाती है, इसलिए आपको ज्यादा इरिटेशन नहीं होता साउंड से, क्योंकि कम साउंड सोर्सेज आपके कान तक पहुंच पाते हैं। नोट करेंगे, इंटरफेरेंस विद स्पीच एंड कम्युनिकेशन, नोट करते हो, नॉन ऑडिटरी इंटरफेरेंस विद स्पीच एंड कम्युनिकेशन। एनॉयंस, जल्दी गुस्सा आता है, एनॉयंस कॉमा लॉस ऑफ वर्किंग इफिशियंसी, लॉस ऑफ वर्किंग इफिशियंसी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सर लास्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिजीज, हेपेटिक डिजीज, बिहेवियोरल कॉमा बिहेवियोरल, सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दें, ठीक है, हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिजीज मतलब लिवर से रिलेटेड डिजीज, हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिजीज, बिहेवियोरल एंड इमोशनल स्ट्रेस, बिहेवियोरल एंड इमोशनल स्ट्रेस कॉमा इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंक्रीज्ड स्वेटिंग कॉमा नाउजिया, फटीग एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉइज ऑल्सो कॉजेस विजुअल डिस्टर्बेंस, कॉमा इट कॉजेस अनडिजायरेबल चेंज इन रेस्पिरेशन, इट कॉजेस undesirable change in respiration, skin, circulation, respiration, skin, circulation and gastrointestinal, and gastrointestinal activity, नेक्स्ट पॉइंट। इससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है नॉइज पोल्यूशन, जिससे कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोट करो, इट कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरी, कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरी, मेकिंग पीपल making people prone to heart attack, अब देखो जो एयरपोर्ट के पास नॉर्मली जो मदर्स रहती हैं उनके बच्चों का जो उनके बेबीज की बर्थ होती है वो हमेशा लो वेट हो जाता है, उनका वेट लो हो जाता है, ये भी एक कॉज है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, ये थे नॉइस पोल्यूशन के। तो जो आपने फर्स्ट लाइन बोली थी इंटरफेरेंस विद स्पीच एंड, और वो कौन सा वर्ड था,
इंटरफेरेंस विद स्पीच एंड कॉम्युनिकेशन, फिर है एनोयंस, एनोयंस, ठीक है, यस सर, उसके बाद से लॉस ऑफ वर्किंग एबिलिटी, और एक चीज और बता देता हूँ इसी में एडिशनली, नॉइज का बहुत लाइक हमारी बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो डीजे वीजे बजाने वाले होते हैं ना, वो कान में वाले लगा के रखते हैं ना, वो इसीलिए लगा के रखते हैं, वो ये मत समझिए कि वो हेडफोन इसलिए लगा रखा है, वो इसलिए नहीं लगा के रखता है कि वो गाने सुन रहा होता अलग से, समझ में आया, इसलिए लगा के रखता है कि वो बहरा ना हो जाए या उसको डिजीज ना हो कोई, बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे वो गाना सुन रहा है उसमें, है ना, क्या जी, एक बॉडी है सीपीसी भी, सीपीसी भी क्या है, नोट करो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी इंडिया में, हैज सेट स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉइज, विद रिस्पेक्ट टू नॉइज, सीपीसीबी का यह कहना है इंडस्ट्रियल एरिया में इसमें नाइट का अलग स्टैंडर्ड है और डे का अलग स्टैंडर्ड, इसका कहना है कि नाइट में होगा सब डेसिबल में 70 डेसिबल और डे में होगा 75 डेसिबल, कॉमर्शियल एरिया में, मार्केट वगैरह जहां पे होती है, कॉमर्शियल एरिया में, कॉमर्शियल एरिया में 55 डेसिबल होना चाहिए और डे में होना चाहिए 65 डेसिबल, रेजिडेंशियल एरिया में, इसलिए हॉर्न बैन होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, बाहर लिखा होता है कि हॉर्न बैन, 45 और 55, साइलेंट जोन हॉस्पिटल और स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, साइलेंट जोन में 40 डेसिबल और 50 डेसिबल, ये जरूर से याद रखना सीपीसीबी ने जो कहा है, तो ये तो हो गया हमारा नॉइज पोल्यूशन, नोट कर लिया सबने, एक सेकंड सर, सर सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, ठीक है, नोट कर लिया, हो गया नॉइस पोल्यूशन कंप्लीट, हाँ नॉइस पोल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, आप लैंड पोल्यूशन मैं एक चार्ट बना के बता देता हूँ, ठीक है, इसी समझा देता हूँ, इसी से आपको याद रहेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लैंड पोल्यूशन, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन में बहुत सारे लोग बहरे हो जाएंगे, ये जितने सारे लोग नॉन ब्रांडेड क्या बोलते हैं ये हेडफोन माइक्रो और ये ईयरबड्स वगैरह जो लगा के टहलते हैं ना, उसमें डेसिबल वेसिबल कुछ कंट्रोल्ड होता नहीं है और ये ईयर्स को बहुत हार्म करता है, तो ऐसे लोग जो कान पे लगातार 24 घंटे ठूसे रहते हैं, इन्हें बहना होने से कोई नहीं रोक सकता,
तो चीफ पोल्यूटेंट्स, लैंड पोल्यूशन में कौन कौन चीफ पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट है ना? तो यहां पर चीफ पोल्यूटेंट में सबसे पहले है मेटल, फिर क्या है पेस्टिसाइड, फिर क्या है रेडियो आइसोटॉप्स, ठीक है, फिर क्या है रेडियो आइसोटॉप्स है, और फिर क्या है वेस्ट। सर पहला वाला क्या है? सॉलिड और लिक्विड, और पहला वाला है मेटल, ठीक है। अब देखो अब ये कहां से आता है, माइनिंग एरिया, क्यों भाई मेटल डिकम्पोज नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होती, माइनिंग एरिया, इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से, वेस्ट प्रोडक्ट से। क्या मतलब, आपके गाड़ी का इंजन ऑयल कहीं पे गिर गया, अब वहां पे कभी भी दोबारा वेजिटेशन हो ही नहीं सकती है। रीजन क्या होता है, उसमें हैवी मेटल पाए जाते हैं, हैवी मेटल को कोई भी बैक्टीरिया डिकम्पोज या रिसाइकिल नहीं कर सकता है, और वो लैंड पूरी की पूरी बैरन हो जाएगी। स्लज सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सब। पेस्टिसाइड कहाँ कहाँ से आपको पता है, एग्रीकल्चर, गार्डन, पार्क, जहां जहां पे ये पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। रेडियो आइसोटोप मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और रिसर्च लेबोरेटरी से, रिसर्च लैब से, है ना। वेस्ट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो हमारे हाउस होल्ड से मेनली निकलता है, तो पहला सबसे आ गया म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, स्लज, माइंस, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, ये इसके सो। तो बस यही लिखना है, यही टेबल बनानी है। हाँ बस टेबल बनाना ना, म्यूनिसिपल मेजर वेस्ट आपको पता होना चाहिए, लैंड पोल्यूशन में कौन कौन से मेजर वेस्ट है। बाकी देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे बस वो लिखवा दूंगा मैं। सर पेस्टिसाइड्स का लास्ट वाला क्या है? पेस्टिसाइड का वही पार्क, सो पेस्टिसाइड्स में लास्ट पे क्या लिखा है? सर पेस्टिसाइड्स में लास्ट में पार्क, पार्क में छिड़कते हैं ना हम लोग मेंटेन करने के लिए पेस्टिसाइड्स। नोट कर लिया,
सर 2 मिनट और, कोई नहीं आराम से। डन सर। डन, ठीक है, ग्रेट। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट नोट करो। द मेजर टॉक्सिक मेटल्स आर, नोट करो, मेजर टॉक्सिक मेटल्स आर कौन कौन से। मेजर टॉक्सिक मेटल्स आर नोट करेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मर्करी, निकेल, सिल्यूरियम, जिंक, मेनली ये हैं जो टॉक्सिक मेटल्स हैं। किसी के नीचे लिखना लेड एंड मर्करी एंटर, लेड एंड मर्करी एंटर इंटू ह्यूमन बॉडी एंड लेड एंड मर्करी एंटर्स इंटू ह्यूमन बॉडी एंड कॉजेस बायो मैग्निफिकेशन, कॉजेस बायो मैग्निफिकेशन। एक एक क्वेश्चन है, पूछा ये गया था कि ऐसे प्लांट जो मेटल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा वनील का क्वेश्चन, बताओ, बता सकते हो सर क्या ऐसे प्लांट जो मेटल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं सॉइल से, मतलब वो प्लांट जो सॉइल में मेटल की टॉक्सिसिटी को कम करते हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। चलो नोट करो, स्टार बनाओ, स्टार बना के पूरा पॉइंट लिखो। सम प्लांट ग्रो अंडर अंडर मेटल स्ट्रेस कंडीशन, मतलब हाई मेटल। सम प्लांट ग्रो अंडर मेटल स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड मेटलोफाइट। पहली बार, सम प्लांट विच ग्रो अंडर metal stress condition are called metallophyte. They mainly belongs to Brassicaceae family. Brassicaceae के member बताओगे कौन से होते हैं? Brassica compestris,
सरसों आपकी, ब्रैसिका ओलेरेसिया क्या, रेडिश मूली, ठीक है। सो बायोमैग्निफिकेशन के बाद जो आपने पॉइंट बताया वो रिपीट कर दीजिए। क्या बताया था मैंने, ये वाला क्या बोलते हैं, सम प्लांट्स ग्रो अंडर, ये वाला, यस हाई, सम प्लांट ग्रो अंडर मेटल स्ट्रेस कंडीशन, सम प्लांट ग्रो अंडर मेटल स्ट्रेस कंडीशन, दे आर कॉल्ड मेटलोफाइट, ठीक है। आप मेजर इंसेक्टिसाइड जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, इनमें बहुत सारे बैन हैं, ठीक है, मेजर इंसेक्टिसाइड्स। सो हाँ, सो आपने उसका वो टर्म यही है मेटलोफाइट्स, जो मेटल को अब्सॉर्ब नहीं करते, जो मेटल को अब्सॉर्ब करते हैं, मेटलोफाइट नहीं करते हैं, मतलब मेटल स्ट्रेस कंडीशन, मतलब हाई मेटल कंडीशन, हाई मेटल यहाँ पे पोल्यूशन हो वहां पे जो ग्रो कर जाते हैं उनको मेटलोफाइट बोलेंगे, और वो मेनली किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ब्रैसिकेसी। ओके सर, ठीक है, ब्रैसिकेसी को मस्टर्ड फैमिली एक्चुअली बोलते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जब पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस है ना, जिसको सरसों आप कहते हो, ठीक है। समझ आया, याद है फैमिली, याद है, यस सर, यस सर, फैमिली याद है, नहीं ठीक है, फैमिली याद कर लेना, नीट पे क्वेश्चन आता भाई, ठीक। एमंग इंसेक्टिसाइड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, एमंग इंसेक्टिसाइड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक कौन कौन है इनमें, ठीक है ना, पूछा जाता है इनमें से कौन सा है, लाइक एल्ड्रिन, लाइक एल्ड्रिन, लिंडेन, लिंडेन, लाइक एल्ड्रिन, लिंडेन, टॉक्साफीन, टॉक्साफीन, हेप्टाक्लोर, क्लोर, डीडीटी, जिसे बैन है, डीडीई, एक्सेट्रा, दे डू नॉट ब्रेक इजिली, कॉमा, आर फैट सॉल्युबल, ये हमारे स्टमक में जमा होते रहते हैं जो भी सब्जियों के साथ आते हैं, मैंने आपको बताया था, दे डू नॉट ब्रेक इजली, दे आर फैट सॉल्युबल एंड डिपॉजिट्स इन फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल, deposits in मतलब एडिपोज में, deposits in fatty tissue of animal and causes biomagnification, देखो DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ऐसे डीडी ये होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन, ठीक है।
तो ऊपर वाला हो गया डी डी टी और नीचे वाला हो गया डी डी ई, ठीक है। सर डी डी का क्या फुल फॉर्म है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइथेन। हाँ डाइथेन। ठीक है। और रेडियो आइसोटॉप जो पोल्यूटेंट है वो भी मैं कुछ बता देता हूँ। रेडियो आइसोटॉप से मैंने क्वेश्चन देखा है, नेट में से क्वेश्चन आ चुका है। रेडियो आइसोटॉप जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, रेडियो आइसोटॉप एक्चुअली क्या होता है, ये मेनली यूज होते हैं उसमें लेबोरेटरी में यूज होते हैं। लेबोरेटरी कौन, मतलब मेडिकल लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं। तो और कुछ यूज होते हैं जो वो मतलब उसमें रिएक्टर्स वगैरह में, कहीं कहीं पे हमारी मजबूरी है, कहीं पे जैसे रिएक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एक वो रिएक्टर से हमारे वारशिप चलते हैं, वो है ना, रिएक्टर से हमारे सबमरीन चलते हैं, तो वहाँ पे सब जगह ये बाई प्रोडक्ट है जिसे प्रोड्यूस होना ही है। यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 स्ट्रॉन्शियम 89 और 90 सीजियम 134 कार्बन 14 14 और कैल्शियम 45 पोटेशियम 40 और आयोडीन 131। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आयोडीन वाला, आयोडीन 131 ये क्वेश्चन मैंने देखा है। इस हाँ नोट कर लो, स्टार बना के नोट कर लो, पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ। सर कार्बन का क्या है? 14 वही कार्बन डेटिंग वाला, 14 कार्बन डेटिंग यूज करते हैं ना, कार्बन 14। यस सर। नोट करो, नोट कर लिया? यस सर। दो पॉइंट नोट करना, स्टार बना के लिखो। आयोडीन 131 causes biomagnification, causes biomagnification and thyroid problem in human. So biomagnification and thyroid problem in humans. अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजियम इन आर्कटिक रीजन हैज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडीज ऑफ एस्किमो। सीजियम इन आर्कटिक रीजन has accumulated in bodies of Eskimo as a result of biomagnification. Accumulated in bodies of Eskimo. Eskimo पाया जाता है ना? Eskimo. And causes. Sorry, as a result of biomagnification. देखो. सॉइल से ये सीजियम गया लाइकेन में, लाइकेन से गया रेंडियर में, और रेंडियर को खाया एस्किमो उसने,
इस तरह से इनका बायोबैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, ठीक है, इसका बायोबैंक लिख, ठीक भाई? यस सर, वेरी गुड। और कुछ बचा क्या? चेक कर लेना, मुझे ये बता दिया तो, और ये बोलते हैं सर, वो लास्ट लाइन का वर्ड क्या था? एज अ रिजल्ट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। ओके, अच्छा एक चीज और लिख लो, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है ना, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। पहले क्या होता था कि जैसे ये डिस्पेंसरी वाले हॉस्पिटल वाले जहां मनाया उसको फेंक दिया है ना, बाद में गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, आज की डेट में तो अगर आप उसको वो श्रेडर होते हैं और वो उसको डिफ्यूजर होते हैं जिनमें बर्न हो जाता पूरा, आपने देखा होगा, तो अगर आप उसको बर्न करके इसको डिकम्पोज करके अगर वेस्ट को नहीं डिकम्पोज करते हो और वैसे डंप करते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, आपका हॉस्पिटल क्लिनिक सील भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, नोट करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल नोटिफाइड इन जुलाई 1998। सर पार्डन प्लीज, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल नोटिफाइड इन जुलाई 1998, नोटिफाइड इन जुलाई 1998 अंडर दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फुल स्टॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ना, इट मेक्स मैंडेटरी फॉर ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, to treat biomedical waste generated by them, to treat biomedical waste generated with them of biomedical waste को ऐसे ही dispose नहीं कर सकते। ठीक भाई सर, एक्ट कौन सा था? एक्ट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक मिनट और रुको, मैं और एक चीज देखता हूँ, हो गया करा दिया मैंने। That's it. ठीक है, हो गया ये भी। बताओ भाई किसी को कहीं पे और कुछ पूछना जांचना हो, सही है।
चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट हो गया। नो डाउट सर। ठीक है दैट्स इट, कुछ नहीं हो गया, दैट्स इट है ना। तो हमारा सिलेबस बिल्कुल पूरा 100% कंप्लीट हो गया, पूरा हमने सब पूरा कवर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड है ना, अब हम लोग रिवीजन करेंगे। और मैं आपसे बताते रहूँ कि पहले हम लोग रिवीजन किसका करेंगे, सबसे पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ना, और दूसरा हम लोग फिर उसी के साथ में सेम डे हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको क्या करना है कि जितना भी नोट्स मैंने बताया है वो आप पढ़ के लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो क्वेरी हो वो साथ में लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो है ना, ऐसा ना हो कि मुझे ये लगे कि मैं ही दोबारा पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप आकर के क्लास में बैठ जाओ, आप रिविजन ना करते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो उसे, देखो मेरा तो कोई फायदा, मतलब मुझे तो आता ही पहले से है ना, मैं पढ़ने तो आया नहीं हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाने आया हूँ, राइट। सो फायदा आपको तभी होगा रिवीजन का जब आप खुद से पढ़ के आओगे, खुद से मेहनत करते हो। और आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू आस्क समथिंग, लाइक टू डिस्कस समथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, एक दो बंदे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो दैट विल बी मोनोटोनस, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा। मैं करवा तो दूंगा, मुझे कराना है तो मैं करवा ही दूंगा है ना, लेकिन इस प्रोसेस में हम दोनों को, मतलब ना ही आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, ठीक है, और ना ही आपके लिए बेनिफिशियल। अगर ये वन साइडेड है, मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ, इट इज नॉट ऑल यूजफुल फॉर यू। ठीक है, मतलब जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, वो आपके किसी काम का नहीं जब तक कि वो सेम चीज आपको नहीं आती है ना, तो उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? द्वारिया, दिशा, दिव्यांशी, देव्यम, अनुष्का, सब लोग क्लियर है? सब लोग पढ़ के आएंगे ना, बताओ। हाँ बोलो, समय कह रही थी, अब नेक्स्ट क्लास अगले फ्राइडे होगी ना? नेक्स्ट क्लास अगले फ्राइडे होगी। देखो वो जो भी होगा ना, एक्चुअली निष्कर्ष आपको कम्युनिकेट करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बैचेस है ना, तो मैं सच मतलब बोल नहीं सकता हूँ, पता लगा मंडे को हो जाए आपकी क्लास, ठीक है, मंडे हो, ऐसा कुछ हो है ना, लेकिन जो भी होगा निष्कर्ष जी क्लास का कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और बताओ भाई, किसी को डाउट? सर आई रिमेम्बर आपने कहा था सितंबर अक्टूबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा, और सही में हो भी गया। नहीं हो जाएगा, मैं अपना कैलकुलेशन है, मतलब उसी स्पीड से चलता है। देखो पता निष्कर्ष जी वगैरह ये लोग तो मतलब आर्स कैलकुलेट उतना ही आर्स होता है। क्या होता है कि जैसे बच्चे थोड़ा सा, कई बार क्या होता है ना, ज्यादा क्वेरी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको क्वेरी होती ही होती है ना, मतलब जबरदस्ती की, तो फिर उसमें क्या होता है कि 8-10 घंटे आगे खींच जाता है, 10 घंटे आगे या 10 घंटे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आप जैसे है ना, तो अच्छी ग्रेस्पिंग पार होती है आप जैसे सभी बच्चों की, तो ये टाइमिंग हो जाता है, राइट। सो देखो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग दीपावली के पहले इसको फिनिश कर देंगे, एंड वी डिड इट, और हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। और बिलीव ऑन मी, हर बार यही हुआ है, इवन लास्ट टाइम भी, कि हम लोग बोर्ड आने से पहले रेगुलर जब होता था, इस बार तो नहीं पता कब होंगे बोर्ड, तो बोर्ड आने से पहले अपन 4 बार रिवीजन कर लेते हैं है ना। और मेरा मानना है कि एक बार रिवीजन करने के बाद आपकी टिप्स भी होंगी चीजें, बस आप रिवीजन करिएगा मेरे हिसाब से है ना, और यकीन मानो आप 100 out of 100 ला सकते हैं, इसमें कोई देयर इज नॉट इवन डबल थॉट। और मैं नीट का भी कहता हूँ ना, 85+ हमने आपने जितना पढ़ा हुआ है 11th और 12th में, अगर आप इतना कर लेते हो, बिलीव ऑन मी 85+ आप आराम से कर सकते हो, आराम से। सर बोर्ड का पेपर 18 दिसंबर को है बायो का। यस सर, ये वो आ गया क्या? डेट आ गई सर, फर्स्ट टर्म। यस सर। अच्छा, कोई मुझे फॉरवर्ड कर देना अगर किसी के पास में हो है ना, किसी के पास हो, ठीक है जी सर, ठीक है, आप मुझे दे देना डेट शीट, तो बढ़िया है, दिसंबर में है, तो अभी आराम से 4 बार रिवीजन हो जाएगा, आराम से इजीली। ठीक है, ओके सर, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर रिवीजन स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।